मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। अमीगो ने जरूशलेम लोग का जरीको दगाई की दाफो ने गेर कर उसकी कपड़े उसकी कपड़े उतार लिए और मार पीट कर मोला दूला उससे आत्मरा चोर कर चले गए। एक व्यक्ति जेरूशलेम को छोड़कर वो जेरिको जा रहा था। अमीको ने जेरूशलेम जेरिको मतलब जैसा आसाम और अरुणाचल बॉर्डर है ऐसा ही वो बॉर्डर है। आसाम का अरुणाचल बॉर्डर है बॉर्डर है मको। तो जेरूशलेम में लोग क्या करता था बोलने से यीशु को विश्वास करने वाले लोग प्रार्थना करता था फास्टिंग बैठता था। हाँ प्रभु के लोग वहाँ में रहता था। मैंने जेरूशलेम में काली मैंने काली नामी करेंगे जीसु में घूमना करेंगे फास्टिंग डू नामी करेंगे नामी करेंगे मको डू टू आने और वहाँ में परमेश्वर के बारे में हमेशा बातचीत होता था। चलो सदी के अगम हम पोती ना पोती दूंगा घर घर में फेलोशिप होता था। चर्च में बाइबल स्टडी होता था। बाइबल लगा लेकिन एक आदमी था जो ये सब को पसंद नहीं करता था। हेलो वो सपना में भी सोचते रहते बिजनेस 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 को वो सपना में भी सोचते रहते आंख बंद करने से भी काम 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 सिर्फ काम 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 ही सोचता है। आगे 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 तो मैं मिलते ना होगा सपना सपना में भी वही बिजनेस 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 ही सोचता है। यूं मानो को मैं मिलते तो बिजनेस बिजनेस है ना। हेलो मेरा इमेजिन है पीटर लोग जॉन लोग बुलाया होगा आओ आराधना करता है पीटर जॉन बोल भीमतम तब कहे हो चलो चार्ल्स को कुमला जो चलो परमेश्वर यीशु के बारे में और गहराई से जानता है। कहते बोल यीशु का लगागा मैं के ला जुलु तो आप उसने बोला क्या यीशु को जान गया काफी है क्या है यीशु में के नाइन को आगे को ला लो तो आप यीशु यीशु बोलते रहने से पेट भरेगा क्या यीशु यीशु लोग तुम नोका के डालिए नहीं हां परमेश्वर तीन रात जीशु 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 बोलने से एकदम पेट भरेगा पैसा मिलेगा नो जीशु जीशु हालेलुया कमाना है पाप में लगी है ना नीन पैसा चाहिए मुर्गो लगी दूं। हेलो हमें कोई ऐसा है नहीं सोचने वाला ऐसा पैसा लगा मंगती ना नहीं सोचने वाला कोई है ऐसा नहीं ना कानून बुढ़को लगा यू भी हमको मारे लगे मंगते ना अभी कानून काम 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 पैसा 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 प्रोफेसर मुड़को 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 आगे 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 नहीं मुझे ना करो नॉल जीसु जीसु बोलते रहने से किसे जिएगा जीसु जीसु मुझे अमेरिका का और तू तू भी क्रूसित 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 बोलते रहता है क्रूसित क्रूसित है तो बोलो तेरु ये कैसे वाला ओना में हमेशा क्रूसित करते रहता है क्या नाम है हमको क्रूसित है तो कोई तेरु हमेशा बुलाते रहता है हमी तुम कितने तेरे तुम लाइन आओ 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 तुम तेरा तुम तेरा काजू काजू तुम तेरु हालेलुया हालेलुया समझ में आ रहा है अजी रून कुछ लोग तो ओनम को डायरेक्ट तो नहीं बोलेगा लेकिन अंदर में तो सोचता जरूर होगा ओनम में तो डायरेक्ट कर लू ना तो कमा नहीं था कमा मेरा तकलीफ को समझते नहीं है एकदम भूलते रहता है तुमको भी बोलते रहो मेरा बारे में जानते नहीं गाना 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 वर्षी वर्षी बोलते रहता है हेलो लुया वो आदमी भी ऐसा ही था। देखो मैं आदमी को हम जरी कॉलो कन को ना कम हम कोई तो पीटर को पसंद नहीं करता था। कोई आदमी आते लगे मैं मामा यीशु का ग्रुप को ही पसंद नहीं करता था। जी यीशु में आए मैं मामा था उसका मन में यही ख्याल था नहीं दुनिया में जीना है तो कुछ तो करना है। मैं नाम डालता नहीं माहौल यार और मागिर को गिर पाई है तो क्योंकि वो सिर्फ यीशु को ग्रहण कर लिया बपतिस्मा ले लिया और चार साल गया वो सोच लेके बच गया। और वो सोचा और कुछ नहीं करना है फिर चर्च में आके हो गया चर्च लाए हो गया अब तम लाइए हमें घुमा के खत्म कर देगा लिखते रहे हेलो समझ में आ रहा है हमें घुमाने से हो जाएगा बोला तुम अब आई तुम लोग
लेकिन ये आदमी भी ऐसा ही था। संडे को आएगा चर्च, संडे हम भी हलो आएगा प्रोग्राम में, प्रोग्राम कर क्या बोलता है वो क्रिसमस में आएगा, क्रिसमस आए केरल में आएगा, केरल लोग ये बाकी दिन में बोलेगा मेरे मर्जी समय चले। उसका मन में एक ही सपना था, वो पैसा कमाना है। उसका मन में एक ही सपना था, नाम कमाना है। उसका मन में एक ही सपना था कि सबसे धनी होकर दिखाना है। उसका मन में एक ही सपना था, हम बहुत बड़ा जमीन खरीदना है। उसका मन में एक ही सपना था, सबसे बड़ा घर बनाना है। जीशु को सिर्फ दिल में रखने से हो गया। क्या मुख से जीशु 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 बोलते रहता है। इतना दूर गांव से पैदल मार मार के आने देते रहता है। हेलो, ऐसा ही सोच रहा था ये व्यक्ति जो इसलिए एक दिन इस ग्रुप को नहीं बोल के वो चुपके से जा रहा था पैसा कमाने के लिए। जेरूसलम लोग जरी को हालेलुया। जब वो जा ही रहा था आधा रास्ते में उसको पकड़ लिया। कहाँ में पकड़ लिया? हिंदी बोलने वाला बोलो, कहाँ में पकड़ लिया? आधा रास्ता। हिम्मत नहीं है, खाना नहीं खाया? खाना खाया? कहाँ में पकड़ लिया? ये पूरा साउंड नहीं है, और जोर से बोलते हैं। कहाँ में पकड़ लिया? और जोर से, और जोर से। हालेलुया। इसका मतलब ये है, अगर आप यीशु मसीह को छोड़कर दूर जाओगे तो शैतान आपको आधा रास्ता में ही पकड़ेगा। हेलो, पैसा बहुत कमाओगे, पैसा के साथ साथ शैतान भी आपको आधा रास्ता में ही पकड़ेगा। क्योंकि यीशु के बिना पैसा भी एक कर्ज है। नो जीशु भी नो गलो कमा नो मुर्गों का नाम देते बेनाम को। अगर आपके पास पैसा नहीं है, यीशु है तो आप नंबर वन अमीर आदमी है। जोर से ताली बजाना, क्या चल सोला ताली बजाना। अगर आप नहीं नहीं पास्टर, आप जितना बोलने से भी और नाम जितना बोलने से भी हम मानेगा ही नहीं। हमको पैसा कमाना ही है, पैसा को पापा ही है। जाके देखो एनके तो लगा रहे बाद में एनके पोल को याद करोगे। एनके पोल में ही आ गए कुछ लोग, आधा रास्ता से मार खा के आया। अभी अभी बेदंगी लोग मार दो लाइन देखो। परमेश्वर को धन्यवाद बोलो क्योंकि तुम आधा मरा नहीं हुआ, जल्दी भाग के आ गया। परमेश्वर को धन्यवाद बोलो, अभी तक नंगा नहीं हुआ, कपड़ा पहना हुआ है। हुआ को ये लंका पिट पिट मारा गया लुभा गुरु वो भाग रहा था। आज भी बहुत लोग है यीशु का वचन को छोड़कर वो भागता है। जीशु का प्रार्थना को छोड़ के भागता है, फेलोशिप को छोड़ के भागता है। अगर आप भागते रहोगे मिलो तो जीवन में एक के बाद एक समस्या आपका जिंदगी में आते रहेगा। क्योंकि शैतान भी आत्मा ही है। कभी क्योंकि शैतान जानता है जब आप ग्रुप में होगे तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। शैतान जानता है जब आप बाइबल जान जाओगे, वचन अंदर से आने दोगे तो आप अंदर से मजबूत हो जाओगे। और आप जब स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए शैतान हमेशा आपका मन में बात करेगा, उधर जा उधर उधर पैसा पैसा पैसा। पैसा लगाई थी आज पैसा के लिए लोग मर्डर करता है। आज पैसा के लिए लोग विचार करता है। मुर्खो पैसा लगा दो। हेलो, समझ में आया?
सब पैसा के लिए करता है। एग्जाम्पल सामरिया औरत पांच पति रख के देखा, बहुत पैसा कमा के देखा, लेकिन जीवन नहीं बदला था। मेरी मागदलनी पेशिया था, वो बहुत पैसा कमा के देखा है लेकिन जीवन नहीं बच रहा था। मेरी मागदलनी बहुत पैसा कमाया लेकिन जीवन अच्छा नहीं था। इससे पता चलता कि पैसा आपका जीवन को ठीक नहीं कर सकता है। आपका लाइफ को ठीक कर सकने वाला सिर्फ जीसस होगा। जिसको आपको बनाया वही आपको ठीक कर सकता है। मेरी मगदलनी आपको पता होगा, जब वो व्यभिचार करते रहा एक दिन पकड़ा गया है। मेरी मगदलनी लोगों को ना व्यभिचार करेंगे, और जब पकड़ा गया तो लोग उसको पत्थर मार मार के भगा भगा के ले गया है। उस दिन बेबीचारी क्या बोलता है, मेरी मगदलनी का मौत उसका सामने में था। मेरी मगदलनी का हुई ना बाबू खड़ा रे लो बात करो। यस, उस दिन अगर यीशु सामने नहीं आता तो उस औरत को लोगों ने पत्थर मार के मार देना था। मेरी मगदलनी माफी करी रे लो गपतवाई। और वो औरत बाइबल में लिखा दौड़ते 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 पूरा थक चुका था। बाइबल ला तुम दे मेरी मगदलनी के वो उसका हिम्मत खत्म हो चुका था। उसका ताकत खत्म हो चुका था। हालेलुया। उसको पता चल गया ये पैसा हमको अभी नहीं बचा रहा है। ये सुंदरता हमको नहीं बचा रहा है। ये कपड़ा हमें नहीं बचा रहा है। घर बारी हमको नहीं बचा रहा है। वो डर रहा था। अचानक वो यीशु के सामने गिर गया। वो खुद को यीशु के सामने सरेंडर कर दिया। अब यीशु मसीह ने उसको एक नया जीवन दिया है। हालेलुया। अगर आप चुपके से भी गलती करो या सामने भी करो, अगर आप ऐसे गलती करते रहोगे जिंदगी में आप कभी भी शांति से नहीं जियोगे। शांति भागते रहोगे हालेलुया। इस आदमी का जैसा आप आधा मरा होके जियोगे। आधा मरा लाल मोहन आपका माइंड में आएगा। तुक भी नहीं लाए आपका मन में टेंशन होगा। शरीर में प्रॉब्लम होगा। घर में प्रॉब्लम होगा। आपका कॉलोनी में प्रॉब्लम होगा। पड़ोसी आपको देखने मन नहीं होगा। हालेलुया। हमेशा आपको अपने आप को लगेगा मैं रिजेक्टेड हूँ। आपको जीने के लिए मन नहीं होगा। आपको ऐसे आधा मरा बना के जाएगा। और इस वचन में लिखा उस व्यक्ति को डाकुओं ने पकड़ के आधा मरा बना दिया। आधा मरा ही रही तुम कैसे मारा बोलने से यहाँ में लिखा है कि डाकुओं से घेर घेर गया और उन्होंने उसे नंगा कर दिया। नंबर वन, वो ग्रुप को छोड़ के भाग रहा था। और वो भागने के कारण डाकुओं ने उसको पकड़ लिया। अगर आप परमेश्वर के लोगों को छोड़कर अपना अकेला जिंदगी जीने के लिए करोगे शैतान कभी भी आपको पकड़ सकता है। कभी भी आपका जिंदगी में यस कुछ न कुछ समस्या आ सकता है। शैतान भी आत्मा ही है। यीशु भी आत्मा है। हालेलुया। और ये आदमी को बाइबल में लिखा पूरा डाकुओं ने घेर लिया। और नंबर थ्री, उसको नंगा कर दिया। नंगा मतलब क्या, वो आपका बेइज्जती कर देगा। आपका गलती को सबका सामने प्रकट कर देगा। जोर से बोलो। हालेलुया।
सबका सामने आपको बेइज्जती करेगा, सबका सामने में आपको इंसल्ट करेगा, आपका जीने का हिम्मत को वो चुरा लेगा, आपका ताकत को खत्म कर देगा, आपका घर का अंदर का बच्चा का जो सीक्रेट है वो बाहर लीक हो जाएगा, आपका पति पत्नी का अंदर में जो लीक हो गया सीक्रेट प्लान है वो बाहर प्रकट हो जाएगा, नंदा हो जाएगा पूरा, बेइज्जती हो जाओगे आप, अपने घर में बेइज्जती हो जाओगे, आप अपना समाज में बेइज्जती हो जाओगे, ऐसा होगा कल को आप अपना चेहरा माँ के लोगों का सामने आप नहीं दिखा सकोगे, और ये शैतान का काम है, अगर आप यीशु से दूर जाओगे तो शैतान ऐसा ही करेगा, यीशु का लोग मौत आया है, इस व्यक्ति को शैतान ने नंगा कर दिया, इसका गलती क्या था, हेलो वो यीशु को विश्वास करता था, प्रार्थना भी किया, वो परमेश्वर का लोगों को छोड़कर अकेला जिंदगी जी रहा था, सभी काम ही करेंगे माला, वो पैसा कमाने के लिए जा रहा था, हेलो पैसा आपका जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि बाइबल कहता है सब प्रकार का बुराई का जड़ जो है वो पैसा ही है, बाइबल एम डूंग मुड़को पैसा कनम जम नम डेमो तक हम लोग को डूब लोग को आई मान हम लोग को लड़ेंगे, इसीलिए पैसा हमेशा हमारा पैर का नीचे होना है, डलोग लगा मुड़को नोक ऐसा, अगर आपका पैर का नीचे होगा मुड़को में नोक अलो यीशु आपका दिल में होगा तो आप खुशी से जी सकते हैं, यस फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6:9 में लिखा है, फर्स्ट तिमोथी 6:9 ना तुम कि पैसा का जो लालच है सब प्रकार का बुराई का जड़ है, चलो अब तुम मुड़को पैसा आई माना आती तक हम लोग कल्याण, आज लोग पैसा को सोच सोच के अपना जिंदगी को नरक जैसा बना रहा है, अभी करेंगे काम के मुड़को लगा मुझे ये नहीं रखो नरक खाई रहे, पैसा को बचाने का चक्कर में खुद का शरीर खत्म कर रहा है, मुड़को नाम तुम मोलो मिलो मी को लो आगे मिला पढ़ लिख रहा क्या मैं सही बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं खा के अच्छा नहीं पीन के पैसा करके कंजूस कर करके कर करके जी रहा है, उल्टा देखा तो लास्ट में बड़ा बीमारी आ जाता है, अरे आपका पास जो पैसा है अच्छा चीज खाओ ना, कुछ लोग अच्छा चीज पसंद नहीं करता है, दूध पियो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग होगा बोलता है, दूध पिएगा तो आपका शरीर में भी प्रोटीन मिलेगा बोलता है, लेकिन जाके देखो दूध बेचने वाला का घर में कोई आदमी आता ही नहीं है, नो गंगा दूध को ना घूम डेला दूध बेचने वाला लोगों का घर घर जाके देता है, दूध को ना करेंगे बिगड़ू, हेलो फिर भी लोग लेना पसंद नहीं करेगा, मामी करेंगे और गलती से लेने से भी बोलेगा पानी मिक्स किया है ज्यादा किया है, बहुत कंप्लेन मार के लेता है, जैसे कि दूध आपको जीवन देगा, दूध है तोड़ना मन भी मतलब जीवन मतलब आपको स्ट्रॉन्ग मतलब आपको हेल्दी लाइफ को देगा, हालेलुया, लेकिन लोग दूध को पसंद नहीं करते, हेलो लेकिन दारू का बोतल कहाँ है वो ढूंढ ढूंढ के जाता है, आओ बोतल हम कॉलो दिखा माता माता लाले गो हेलो 4-5 किलोमीटर करके जाएगा, कहाँ जा रहा है दारू लेने के लिए, तो 5-6 किलोमीटर हमको आओ हमने नाम लगा जैसे कि दारू तो आपका शरीर को नाश करेगा ना, तो आओ नो काम खत्म यार, सही बोल रहा मैं, दारू आपका हेल्दी लाइफ बनाएगा, आप दारू आपका शरीर को नाश करेगा, तो आप नो काम प्रोफेसर है ना, नहीं भाई और दारू को लेने के बाद आप खुद पानी मिक्स करते किसी को कंप्लेन भी नहीं मारता, लेकिन दूध देने वाला को कंप्लेन मारता है पानी मिक्स किया पानी मिक्स किया, इधर दूध को ना करे हम लोग कंप्लेन क्योंकि अच्छाई चीज में कंप्लेन है, इधर कभी आई ना मत करी, और ये जो दारू है वो आपका शरीर को बर्बाद करेगा ना, आपको नौका मिला माई माई वो आपका उम्र को कम करेगा ना, नौकिया ना मंदे में
आपका हेल्थ को गिरा देगा ना। अमना मांगी जी मो माया हिमाचल मार के देखो दारू पी के कहीं नाला में गिर गया पाव ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। लास्ट टाइम हम ईटानगर में एक लड़का को देखा था वो मंजिल को कहा था पूरा दो हाथ में प्लास्टर है पाँव में प्लास्टर है अलग अंदी रेल प्लास्टर है अलग रेल प्लास्टर है वो कई कोना में बैठ कैसे बैठ रहा है वो कह जू बोला होगा दूर होगा। मैंने बोला ब्रदर ऐसे कैसे हो गया उनकी तो कल है बोले कल ज्यादा पी लिया था क्या कर लिया था कल काली तंदू ज्यादा पी लिया था और वो दारू ने उसका हाथ को भी तोड़ दिया पाँव को भी तोड़ दिया। दुनिया का लोग ऐसा है बुराई को करने में एकदम मन हिम्मत होता है अच्छाई में तो मन ही नहीं खुलता है। इसीलिए आप अच्छा और बुराई को थोड़ा सा पहचानो शैतान क्या है और यीशु क्या है उसको जानो शैतान लाइट क्या है और अंधेरा क्या है उसको जानो जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा के ईश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। इतना बुरा बुरी हो गया बच्चा भी बुरा बुरी हो गया अभी तक अंतर ही मालूम नहीं होता है। आप माँ होके बुरी होके नहीं समझता है आपका बच्चा को आप क्या सिखाएगा। हेलो yes. समझ में आया तो पिताजी दारू पिएगा बच्चा को बोले आय मतिया चलो पिताजी सिगरेट पीगा बच्चा सिगरेट नहीं पीता हेलो yes. और कुछ माँ पिताजी लोग तो माँ लोग भी ऐसा है बच्चा को बोले ए सादा को मार के रहो को हेलो yes. गलती से बच्चा सादा मुख में डाल दिया तुम क्यों खा रहा है बच्चा आप इतना खतरनाक बन रहे तो आपका बच्चा अच्छा बनना सोचता है क्या। जैसा आप एक गुना खराब है तो वो दस गुना खराब होगा याद रखना। अगर आप एक गुना अच्छा होगे तो आपका बच्चा दस गुना अच्छा होगा। इसीलिए आपका जो लालच है इन दिनों में पैसा में नहीं जाना है अपने आप को सही और बुराई को पहचानो। अगर हम कम क्यों लंका ही ना मामला ही मानो अगर नहीं पहचान सकता तो बाइबल खुद पढ़ो। नो नो कम के बारे में बाइबल हम बाइबल पढ़ लंका इधर उधर भागते मत रहो चलो बोलो हमको भागा डबल का चक्कर में मत घूमो डबुल समझ में आया। हाँ जी रोन आप पढ़िए तो 6:9 पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और पंदे और बहुत बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में पसते हैं। अभी गिरी रे बोलो अगर नहीं मारा तो गिरी लो मको लिख दू नो बना है तो एक बार कैसे बोला पर जो धनी होना चाहते हैं जो धनी होना चाहता है कितने लोग धनी होना चाहते हैं सच बोलो अभी देखना वो पक्का रे धनी होने के चक्कर में तुम्हारा क्या होने वाला देखो अभी पक्का मैं नहीं बोल रहा हूँ बचन बोल रहा है हाँ, जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और हाँ परीक्षा और पंदे और बहुत सी रुको रुको परीक्षा और फंदे में फंस जाता है मैंने इका लो मंगो आप मैंने
जो धनी होने मन होता है वो हमेशा टेम्पटेशन में फंसते रहेगा। यस, जो धनी होना चाहेगा वो हमेशा कले 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 बोलते रहेगा। मतलब उसका शांति कभी नहीं होगा। समझ में आया? अगर आप धनी होना चाहता है तो याद रखना आपका मन में शांति कभी नहीं मिलेगा। शांति धनी होना चाहता है अभी नहीं चाहता। मैं नहीं वचन बोल रहा है। जो धनी होना चाहता है वो हमेशा समस्या में रहेगा और जहाँ तक पंदा में फंस जाएगा। चिड़िया लोग को मालूम है ना, बताओ चंद भाई मालूम है ना, पतंग भाई चिड़िया में कहाँ रहने के लिए, ऊपर में रहने के लिए बनाया ना परमेश्वर ने पतंग हमारे भाई ना जय मान। लेकिन कभी कभी वो चिड़िया जब नीचे उतर के आता है इंसान का दिमाग खतरनाक है, इंसान फान लगा के रख देता है। कोई कोई लाल मिर्ची लगाएगा, कोई कोई कीड़ा लगाएगा चिड़िया को मराने के लिए। चिड़िया को तो क्या पता है, उसको तो लालच है ना। और बाइबल कहता है वो चिड़िया जा जाकर लास्ट में वो फंदा में फंस जाएगा। आप लोग जंगल में आप लोग बहुत मारता होगा फान लगा के मालूम होता होगा। क्योंकि लालची दिखा के तो मारता है ना। काबर बच्चू नहीं बंसी जो मछली मारता है उसमें तो चारा लगा के तो मारता है ना। मैंने क्यों लगाता है चारा, कहीं ला दो मछली लालची होके आएगा खाएगा तो थक करके खींचेगा। चलो इसीलिए ये मत सोचो कि आप ही बहुत टैलेंटेड है, आपसे भी टैलेंट सैदान है। आसमान का जो चिड़िया है वो ऊपर उड़ने वाला है। तला तो लोग पत्ता रहे तला तो लोग कहता है वो ऊपर में ही परमेश्वर सब कुछ उसके लिए तैयार किया है। हेलो, जब कभी वो नीचे आता है ना तभी वो फंसता है। अगर आप भी नीचे नीचे जाओगे ना नको आएगा उसी दिन आप भी फंसोगे। कोई लोग तो यहाँ में फंस के आया है। अभी मैंने यार किसी का पांव टूट गया, किसी का पांव लग रहा होगा जैसे तैसे बच गया है। मैंने दिल लाखों भी नहीं करूँ। यीशु को धन्यवाद दो आपको इस मीटिंग में लेके आया है पूरा छुटकारा देने के लिए। पूरा छुटकारा देने के लिए यहाँ में लिखा है जो धनी होना चाहता है वो फंदा में फंसेगा ही फंसेगा। हेलो ग्लूबम नाम दे हेलो हमको बोलो जो मीरम लेना दे उयु का अदगुलो पक्को ये ना पक्को ये। हाँ, वो आदमी जेरुसलम छोड़ के जेरो को जा रहा था फंस गया वो। अमीर जेरुसलम मार्केल जेरी को ना दे रेलो मको पोसी लिख के जाना चुपके से भी जाना अनम को भी मत बताना बास्तर को भी मत बताना चुप चुपे करके देखना। अनम में कमलू भी मांगा पास्तर में कमलू भी मांगा ऐसा हुआ जुबला। हेलो लेकिन जिस दिन फंसोगे उस दिन ओनम भी नहीं आएगा पास्तर भी नहीं आएगा। इसीलिए अपने आपको सावधान रहना। अंग आपको इन दिनों में और मजबूत होने का जरूरत है। मोदी वाला समय तोड़ दिया मको परमेश्वर का करीब आने का जरूरत है। सदी का आनंद दिया मको परमेश्वर का प्यार से और भरने का जरूरत है। सदी का आया लोग और आगे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। ओ, बहुत बेकार जगह में फंस जाता है। आई मान जगह लो मैंने आई रू मैंने जगह लो मोल तुम और हानिकारक का जहाँ लॉस होते रहते वहाँ में वो डूब जाएगा। नो काम ला वो आई मा इमोन आती जगह करी लो लेकिन लिखते ओ बर्बाद हो जाएगा वो। हालेलुया हालेलुया और आगे
जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। हाँ, लास्ट में क्या करेगा? मेला में आलम कपाई इंसान को बिगाड़ देगा। अभी करेंगे हम अरुण कुमार। आज बहुत सारा विश्वासी चर्च में इसलिए नहीं आता है। इसके लिए प्रार्थना किया नहीं हुआ, इसके लिए प्रार्थना किया नहीं हुआ, इसके लिए किया नहीं हुआ, इसलिए आज चर्च जाना ही छोड़ दिया। अभी करेंगे हमारा यीशु मसीह पैसा देता है इसीलिए वो गॉड है, ऐसा नहीं है, वो हमारा सृष्टि करता है। यीशु क्रिस्त मुल्कों हमारा पास कुछ भी नहीं होने से भी हम उसको आराधना करना है। ये परमेश्वर का इच्छा है। याद है ना, शैतान यीशु के सामने में और एक राज को लेके आया था, राजा बनाएगा बोल के। मैंने एकता को नाम बोमाला यीशु को करा लो तो तुमको ये राज का एक राज को दे देगा। मैं तुमको तुम एक बार मेरा सामने में झुके यस प्रणाम करो बोला। इसका मतलब तुमको जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, मेरे सामने झुको। तुमको जितना पैसा चाहिए हम देगा, तुम व्यभिचार करो। नॉडित करी मुड़को तुमको जो भी चाहिए हम देगा, मेरे बात एक बार मानो। यीशु ने कहा है, लिखा है कि परमेश्वर के सामने में ही सिर्फ झुकना है। खाने दो ना दो फिर भी वो हमारा परमेश्वर है, उसी का आराधना करना है। हालेलुया, उसी के सामने रोना है। उसी के सामने में सरेंडर करना है। अपना मन के बाद सिर्फ यीशु को ही बोलना है। अब वो आपका प्रेयर का उत्तर देगा। खुद ना मारे जोर से बोलो फ्रेश सरो। हालेलुया, आपका लाइफ भी बिगड़ सकता है। ये इंसान को बिगाड़ दिया है, ये नाई मारे तू, नंगा कर दिया उसको, कोई मारे तू, अद्धा मरा बना दिया, पत्तला मोतू। उसका लालच ने उसको अद्धा मरा बनाया है। काबू मो कबू पत्तला मोको। अगर आपका मन में लालच होगा तो आप कभी भी उन्नति नहीं होगा। लालच काबू ना मैं नोरी लोग उन्नति अगर यीशु आपके पास है, सारा धन दौलत आपके पास होगा। यीशु होगा तो सब कुछ आपके पास होगा। इसीलिए यीशु में आपको भरना है। यस, वचन से भरना है। जितना भी क्रूसिट होगा एब्सेंट मत करो। फास्टिंग को एब्सेंट मत करो। घूमने फास्टिंग एब्सेंट मांगा। यस, लोगों को मदद करने के लिए एब्सेंट मत करो। नाम को नाम लगा एब्सेंट मांगा। आपके पास कुछ भी नहीं है, कहीं से भी मेहनत करके क्रूस के लिए स्पॉन्सर करो। वो आनंद मिथुन खाने से भी नहीं मिलेगा। हेलो, जो आनंद वचन सुनने से मिलेगा, वो घर का भरा वाला सुअर अकेला आप खाने से भी नहीं मिलेगा। तुम लोग एकदम नोटोई नहीं रहता है मासे पामा है। समझ में आया? क्या मिलता है आनंद? क्योंकि बाइबल में लिखा है वचन से जीवन मिलता है, आनंद मिलता है। बाइबल तुम जदि कागम समझ में आया? इसीलिए जब भी आप प्रभु का पास आता है, जीसु को क्या डालना है, सिर्फ मन को लेके मत आओ। हेलो, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होगा आप भी देना शुरू करो। प्रोग्राम बिगुली गुला मिल जाएगा। हालेलुया, अभी हमारा अनम ब्रदर बोला है आज शाम को ऑफरिंग होगा। ऑफरिंग का कोई लोग सोचागा ऑफरिंग 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 रूप है, क्योंकि पैसा के बारे में बोलने से पिली बार लोग मुख जो सूख जाता है। तो नाम ही करेंगे मुड़ को लगा नका था कि सही बोल रहे हैं।
सुनो बाइबल में लिखा एक सिबा का रानी बोल के बाइबल आप तुम सिबा लो रानी एक रानी का नाम सिबा की रानी सिबा की रानी हाँ वो औरत सुलेमान का वचन सुनने के लिए सुलेमान का घर आ रहा था बेटा अभी मैं सुलेमान का दो ही नाम लगा सुलेमान का कुमार हेलो yes. क्या सुनने के लिए आ रहा था तत्का माधव वचन सुनने के लिए आ रहा था तत्का माधव सिर्फ हीलिंग होने के लिए नहीं आ रहा था डेलीवरेंस होने के लिए नहीं आ रहा था मोबाइल वो वचन सुनने के लिए आ रहा था डोई हम तत्का माधव आओ दो फर्स्ट किंग टेन में फर्स्ट किंग टेन वापस हम इधर आएगा लेकिन ओनम ब्रदर का वर्ड से मुझे पवित्र आत्मा थोड़ा रिलीज करके उधर ले जा रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ ओनम का लबलोई ना मगम लोग गम देन आई है गिवो दुम होलोक मा 1 2 से पढ़ो फर्स्ट किंग चैप्टर 10 वर्स 1 2 चला लो ब्रो जाओ 10 वर्स 1 2 हां यहोवा के नाम के विषय हां सुलेमान की कीर्ति सुनी सुलेमान का कहानी सुना हां तब वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के चल पड़े हाँ, और आगे वो तो बहुत भारी दिल के साथ बहुत ही भारी दिल के साथ दिली, दल, दल, हाँ। वो तो बहुत भारी दल के साथ हाँ। मसालों और बहुत सोने और मनी से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई सुनो वो औरत जब वचन सुलेमान का बारे में सुना है कि सुलेमान का वर्ड में पावर है सुलेमान का वचन में ही जीवन मिलता है लोग सुलेमान का ऊपर में परमेश्वर की आत्मा था सुलेमान का ते अधिक आईरे का तो जब ये औरत ने सुना है तो मन का अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया बहुत सारा डाउट लेके आया इसका मतलब बहुत टेंशन लेके आया और जब वो सुलेमान का घर आ रहा था सुलेमान का वो अकेला नहीं आया पूरा गांव वाला को लेके आया आप जब घर से आए आप किसको लेके आया याद करो हेलो यस ए तुम लोग जाने से जाओ नहीं देना मैं जाओ हम तो जाएगा भाई उल्टा किसी को भी आप लेके नहीं जाओगे आजकल का आदमी ऐसा हो गया और जाने से भी बोलेगा ए हम सिर्फ अपना चर्च को बोलेगा तुमको क्यों बोलेगा तुम तो नॉन क्रिश्चियन है बोलता है लेकिन सुनो सिबा की रानी ऐसा नहीं था सिबा लोग रानी दल मतलब पूरा टीम को लेके आया ग्रुप लगभग 100 आदमी 50 आदमी 30 आदमी 50 क्या बोलते हैं 100 आदमी को लेके आया उसने सोचा की मेरा ही प्रॉब्लम क्यों सॉल्व होना है यस उसका भी प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व होने देगा उधर आने के लिए सोचा नंबर टू उसका मन में बहुत सारा समस्या था नंबर थ्री उसने सोचा मैं अकेला नहीं मेरा गांव वाला को लेके जाएगा नंबर फोर गाँव वाला आने का समय में वो मसाल नहीं था जो लाइट कैंडल स्टैंड मैंने मरु भाई मैं भी बोलेगा मसाल जो आसपास जाके जाता है बोल मरुआ कम का मरु बम लाता हूँ क्योंकि एक जलेगा तो पूरा लोग उजाला होगा ना आगो मैंने बोमिया मिलो मरुरे भाई तुम ना बोमिया मिलता काम कमो ना करी रखो मांगूंगे तो आई मैंने बाकी लोगों के पास पैसा नहीं था तेल डाल के मसल जला के लाएगा मैंने कौन कल हो कर तेल हम फिलिप के राजे माऊ ना भाई रिपा दूंगा जो लेकिन मरुआ मरी दूंगा इधर मरी ना लगा तेल लगी दूंगा यहाँ पे चलते तेल दे कम हाँ लेकिन इसने क्या किया वो मसल में खुद तेल डाल के जला के लेके आया चलो अभी काली तो ना अभी तेल करेंगे आगे फिलिप के अभी करेंगे जोट बोला इन बढ़ूंगा समझ में आया तो ये इतना सिर्फ नहीं है देखा तो मेरे मांग हाँ बहुत से और इसमें लिखा है वो तो मसालों और बहुत सोने और कीमती मनियों से लेदे ऊंट और सेवक
को लेकर आया चलो भी मैंने दामना सोना अति गडो को आप सुनो सुनो यहाँ में लिखा वो सोना लेके आया करा सोना लाता हूँ वो बहुत दामी दामी मनी मतलब हीरा लेके आया हीरा करेंगे हम गल आ रहा हूँ और ऊट लेके आया ऊट बड़ा बड़ा ऊट चलो कबोत बोते ना ऊट करेंगे डेजर्ट लोग देना करेंगे यहाँ मैं आबो हूँ ये सब लेके वो आया वचन सुनने के लिए जनता काम दे बोमला मोको डोईगा तत्कलो आतो ने आप क्या लेके आया डोको बोमला वगा क्या लेके आया बोले तू बोल गोल हम तो ने तरम ओ तुम कांगा बे तुम ला सुन किसी को बोले तो कुछ नहीं लेके आया मन लेके आया मैं हेलो वो रानी जानता था रानी सिर्फ यीशु का वचन सुनने से हम बचेगा ऐसा नहीं है हम भी उसके लिए कुछ करेगा वो अगर मैं दौड़ेंगे तो हम तत्काल बसी में आए बिक लगा क्या आप आज तक इतना मीटिंग में अटेंड किया कभी सोना लेके गया नो देता जाकर ना कुर्सी ना मैं तुम लोग को नाम सोना मामला को मन के तुम जोर से बोला ना ना वही सर जन सुनो आजकल का जमाने में तो आप लोग का ये हमें तो सोना नहीं है ना वो लोग का तो सोना का मांग माला बोलता है ना क्या बोलता है उसको माला तादक बोलता है ना तादक को कभी लेके आया चश्मे तादक बोला गिरजा की ना कहते तुम और ना मेरे पास पैसा नहीं है कि तादब को ले लो मैं जीसू के नाम से दे रहा हूँ दिया नो लो लेको ना पासवर्ड करेंगे मो आते हिम प्रोग्राम में मिला दो आते लोग का मांग हिम तारों को गोबलांग का हक तारों का प्रोग्राम में मिला लांग का कोआला देख लुक तुम लोग लुमा जरूर से बोलो बोला लुमा क्यों लुमा कहीं ना लुमा हालेलुया हेलो यस क्यों नहीं बोला कब आएगा लुमा इतना जगह दूर रहे आप इतना जगह दूर रहा है नौ दस दिन जगह जगह लो हमको मैं एक बार बताऊं आगे बात रखो भी है इसके कारण अभी भी आप गरीबी में जी रहा है डलक लगाए मको हिला लो नवा न रूरू तते आप जब देना शुरू करोगे अरे लड़ी न भिगुन दे दे के आप आमिर बन सकता है कभी ला बिला मको मांग के आमिर नहीं बनोगे कला मेरे माया दे के आमिर बनोगे हिला मको मेरे ये हमें बाइबल सिखाता है आमीन अरे मांगने वाला लोग तो भिखारी लोग होता है कौन नकरी है तू कोको नकरी है नहीं और हम बाइबल से बहुत प्रूफ दिखा सकता हूँ बाइबल लोग देखने लोग आरु हम लोग करना प्रूफ भी ला रहे जो भिखारी था अरे लोग ने ओ आन तू आन कोको नहीं तू आन बस्ता बिछा के पैसा पार्टी में पकड़ के दे दे बोलता था अरे लोग ने बस्ता बुआला हम लोग कॉल का मांग को आमी लोग कोको दूंगा ने ऊपर वाला का नाम से दे दे नहीं वरना से नीचे वाला नाम से भी दे दे कम से कम दे दे अरे करू ना तो लोग अमीन लोग भी लंका मैं तेरा अमीन लोग भी मैं मेरे को मामू का करू ना लोग अमीन लोग लाई भी लाई समझ में आया ताजी रोन जिसका बाप भी भिखारी था हमको काबू है कोको नहीं तू आज उसका बेटा भी भिखारी है कोको नहीं तू और हर सुबह आएगा और रास्ता में किनारे में बैठ के भीख मांगेगा दे 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 रोकम योगम गिला कांग को मिलो बदन के नियम को रू रू ला कोला कोला ये भी लगा लेकिन वही भिखारी एक दिन यीशु को मिल जाता है कोको नहीं लोग को जिसम काल करूं हेलो जब वो यीशु को मिल जाता है जिसम काल कर बाइबल में लिखा है वो हाथ का वाला को लात मार दिया कौन ना दिख तू पक्का बस्ता को लात मार दिया तुम कर रहे हो पक्का हालेलुया हालेलुया वो नाश नाश के यीशु का पीछे चलने लगा ताली बजाओ जो जाने वो देने वाला बन गया है तू बिना ही का है हेलो आपका आदत अभी तक तो बस्ता में बैठ के भीख मांगने वाला नहीं है यीशु रोना कब देगा कब तक मांगते रहेगा यीशु भी नहीं सुनता है आपका हर प्रार्थना तो मांगने वाला ही प्रार्थना है सही बोल रहा यहाँ दर्द है यीशु दो चंगा ही और की जब यीशु मैं पूछता ही कि ना भाई मतलब माता का प्रॉब्लम है दो चंगा ही आ तो फिर उन की भी तो कोई यीशु मन ठीक नहीं है दो आप भाई मांग यीशु भी तो आप क्या किया इस ना दिन सब
अभी जो खराब लग रहा ताली बजाता जोर से Praise the Lord. समझो अच्छा से सुनो वो रानी ऐसा लेके आया का बुमला दो और सोना लेके आया सोना बुमला दो हीरा लेके आया हीरा बुमला दो ऊट लेके आया उत्सिमन के बुमला दो ऊट है उत्सिमन का ना तो आप क्या लेके आओगे मैं गौर बुमला क्या है में सिर्फ गोरु है तो गोरु कभी दिन प्रोग्राम में लेके दिया आनंद ब्रदर ये गोरु ऑफरिंग दे रहा हूँ बोल के आप सब गुरु दोगे ना तो यहाँ का पास्टर का और ओनम ब्रदर का गुरु का कभी कभी नहीं होगा पास्टर लीडर क्योंकि सुलेमान का घर में कुछ भी चीज का कमी नहीं था सुलेमान को देने वाला वो विश्वासी लोग ही लेके देता था सोलोमन का कुमलादी लगम पुराम नौका मंग सोलोमन में भी मंग का हो सरी कल मंग का नामी करेंगे मैं को बीज और बीज हुआ और बाइबल का हिसाब से सोलोमन का ऊपर में हीलिंग का पावर नहीं था मिरेकल का पावर नहीं था डेलीवरेंस का पावर नहीं था सिर्फ वचन बोलने का भी पावर था द बाइबल हलो गो गंग के मिलो सोलोमन का लकीना में भी बिगु नाम रबती भी इतना पावर का मंग तुम डोइंग हम लोगों ना 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 पावर तुम हम लोगों का तुम है गोरु तो दूर का बात है मुर्गी का अंडा ही लेके नहीं देता है गोरु ने तो बत्ते ना को रोक लाला मत तभी ला अब सच बोलो कभी दिन प्रोग्राम में अंडा लेके आया आपने अरे लोग तो नो लगे ना प्रोग्राम लो लगे ना रोक लाला को बम लांग के तुन बोलो ना लाया बम के तुन क्या ले आया क्या लाया उनको बम के तुन मुर्गी लाया प्रोग्राम के तुन पड़ापी के तुन कुछ लो क्या लाया मैं बताऊं के दुकान में खुसरा कर करके खुसरा कर करके टुकड़ा पूरा वो भी पैसा को लेके आया मैंने तीन मुड़कोंगे दो बार फ्री उठाएगा तो 2 रुपया ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया हेलो मैं सही बोल रहा हूँ 10-10 रुपया दोगे तो इतना बड़ा क्रूसिट होगा क्रूसिट मिला है जोर से बोला ना ना बोलते कौन देगा ये सब काम और ऑफरिंग क्यों देते हैं मेंगो लगा लो पढ़ेंगे बिना मांगो मैं मेंगो लगा बिना क्यों देते हैं मेंगो लगा लो पढ़ेंगे मॉल वीडियो देखो नाम को देखा हम भी नहीं बोलेगा चलो हम भी आपका जैसा हम भी नहीं बोलेगा आप क्यों ऑफरिंग देता है ये बोला स्पेशल ऑफरिंग उठाएगा क्यों देगा आप ऑफरिंग स्पेशल ऑफरिंग लगा ऑफरिंग क्योंकि आपको मालूम होना है ना आपको ऑफरिंग क्यों दे रहा है तो आप भी जो बिना देख लेगा हम केंद्र लाने भी पाए जो क्यों देता है इनको लगा बिना परमेश्वर का राज्य को बनाने के लिए कितना देता है अरे कल भी देता हूँ दस रुपया से कुल का राज भरेगा भाई ये लोग से अधिक गए थे गोभी आगे 5 रुपया से बढ़ेगा बढ़ेगा लोग बढ़िए और कुछ लोग आजकल बहुत चालू है अभी अभी रही लो मतलब इंजिंग जो फटा पैसा होता है ना बेनना मुड़ को मैम याद रखना फटा पैसा दुकान में नहीं चलता है मुड़ को बेनना दुकान ना कम चलता लेकिन विश्वासी लोग एक जगह में जरूर चलाता है एक ताजे का कॉल आगे जाने का कहाँ चलाता है वो चर्च में चला देता है हालेलुया फटा पैसा को सुंदर से करके ऑफरिंग में डाल देगा हेलो क्या ऐसा देगा तो स्वर्ग राज बढ़ेगा नहीं मेरा सद कहते एक
इसीलिए आप अभी भी रुपया पैसा में गरीब है। आपका घर में पैसा में उन्नति नहीं होता है। ये सबसे बड़ा जो कमजोरी आपका जिंदगी में इन दिनों में मेरे मन में जो आ रहा है वो सबसे बड़ा पैसा का ही कमी है। जितना भी बचाता है आपका घर में पैसा बचता ही नहीं है। आपका लाइफ में उन्नति नहीं है। यस, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। एक जगह से आता है दूसरा जगह से चला जाता है। अरे आप तो बचपन से ही कंजूस करके बचा बचा के आया। कितना रुपया बचा लिया आपने? कंजूस ला कितना रुपया बचाया? अरे हम बचपन में देखता था बुरी माँ लोग पैसा को यहाँ में रखेगा ना, एकदम बचाएगा, खुद भी नहीं खाएगा, पिएगा भी नहीं, बचा बचा के रखेगा। छोटा से देखते देखते बड़ा हो गया, दाढ़ी भी दो तीन टू पा गया। उसका वो वाला भर्ती होने वाला कभी नहीं दिखाया मैंने। हेलो, समझ में आया? इतना कंजूस करके जिया कंजूस तोड़ दो। कभी भी उसको फूल होते हुए मैंने नहीं देखा है। अगर ये फूल नहीं होता तो कंजूस करके क्या फायदा है? आपका मन खोलो तो परमेश्वर भी आपको देगा। सुनो, आप मेडिकल जाता है? मेडिकल जाता है? मेडिकल कितने लोग जाता है बीमार होने से? अंकल मेडिकल अंदर कुछ लोग ऐसे कर रहा है कि कभी जाता ही नहीं है। सुनो, मैं खुद का एक एग्जांपल देगा। उस दिन मेरा थोड़ा सा यूरिन का थोड़ा प्रॉब्लम था, जल रहा था। हमारा सामने में एक मेडिकल है और वहाँ में एक डॉक्टर है, थोड़ा जान पसंद है। मेडिकल को डॉक्टर मैंने उसको खड़ा हो गया, जस्ट मैंने बोला कि ऐसे यूरिन में थोड़ा जलन हो रहा है, उसका कुछ उपाय है क्या? वहाँ डॉक्टर आपको बहुत सारा टेस्ट करना पड़ेगा। चलो डॉक्टर, हमको खींच के लेके गया। हेलो, आप बोलने से विश्वास नहीं करके मेरा ब्लड चेक किया, मेरा पेशाब चेक किया, दुनिया भर का चेक किया, 8,000 रुपया बिल बनाया। और रूम में बैठ के उसका चेहरा देखा, उसके लिए 200 रुपये बिल बनाया। रूम डेलोम का नाम लगा कम निकला था। और लास्ट में बोला आपका कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, 10,000 दे दो। हेलो, समझ में आया? अधिराम वो बोला आपका पास कुछ भी बीमार नहीं है, लेकिन 10,000 दे दो। हेलो, लेकिन लोगों को मैंने देखा 1,00,000 भी मेडिकल में देने के लिए तैयार होता है। आजकल का डॉक्टर का चेहरा देखने से 500 रुपया लेता है। डॉक्टर का नाम लगा था लिंग वाला, मेडिसिन का खरीदना पैसा अलग और ट्रीटमेंट करने वाला अलग। मेडिकल मेडिसिन लोग वहाँ में पैसा देने के लिए तैयार है। चर्च में आने से कामा कामा ज्यादा 20 रुपया देगा, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया देगा। कुछ लोग 100 रुपया देने से तो रात भर नींद भी नहीं आता है। हेलो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? जो खराब लग रहा था लेकर जाता अभी हम बहुत प्यार से बोला इसीलिए बच गया। सुनो, वो शिवा की रानी ने ऊंट लेके आया। शिवा लोग की रानी आगे किस लिए आया? इनको लगा ला था वो वर्ड को सुनने के लिए, उसका मन को शांति होने के लिए। क्योंकि शिवा की रानी का पास बहुत पैसा था, लेकिन पैसा उसको शांति नहीं दे रहा था। शिवा लोग की रानी मुड़को इसीलिए वो खुद अपने आप को बचाने के लिए आया।
दलोक लगा अभी हम को पैसा ही नहीं लगा था बड़ा टीम लेके आया जब तेरा टीम हमारा तो सोना चांदी लेके आया चांदी के हम बोमा और जानवर जो ऊंट है वो लेके आया हमें पता ऊंट है बोमा अब आज तक आ रहा है प्रभु का वचन सुनने के लिए अब क्या लेके आ रहा है चलो लो ना तत्ते रूम से अधिक आगो मम तन्नम लगा के होना बम ला रहा अब एक आदमी को नया आदमी को लेके नहीं आता है नाम या निसाबो मंग दो आदमी को अब गाड़ी भरा नहीं देता है लोग गाड़ी भरा किसी का बाइक में तेल नहीं डालता है तेल हमको मिला और ऑफरिंग के बारे में बोलने से भी कुरकुर 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 करता रहता है ब्लेसिंग मिलेगा फाइन ब्लेसिंग मिलेगा बड़ा ब्लेसिंग मिलेगा मिलेगा इसीलिए नहीं मिल रहा है आपको हालेलुया ये मीटिंग में नहीं भी लाया होगा मीटिंग दूसरा मीटिंग में एनके बोल नहीं होने से भी जरूर लेके जाना एनके बोल का मारे मीटिंग का नाला कोई लोग सोचेगा एनके बोल लालची होके बोल रहा होगा एनके बोल का बोल लालू और कोई सोच रहा होगा ये ओना में ना ओना सामने तो नहीं बोल रहा है लेकिन दिल में सोच रहा होगा अनाम जो बताया होगा आप खुद देखा है ना मैं प्रचार क्या कर रहा था और हम कहाँ चला गया पवित्र आत्मा आपको इसी में आपका जरूरत है इसीलिए लेके जा रहा है ये बहुत बड़ा अभिशाप मतलब कर्ज है आपके ऊपर में बेनाम पत्र गरीबी एक कर्ज है अरे बेनाम उन्नति नहीं होने वाला एक कर्ज है हमेशा बीमार होते रहना कर्ज है अगर आप देना स्टार्ट करोगे वो भी अच्छा अच्छा चीज को दो ऐसा मत दो कि आप नहीं देगा तो वो लोग कैसे मीटिंग करेगा वो मत सोचो प्रोग्राम में आप अपना पड़ोसी का क्या बोलते अपना रिश्तेदार का घर में जाते हैं आप आगे का रिलेशन है लान दू भाई क्या क्या ले जाता है बम लान दू बिस्कुट ले जाता है बिस्कुट बम दू जूस लेके जाता है नो जूस ही हम करेंगे ले जाता है या नहीं बम लान खाना पीना लेके जाता है दोनों दिन हम बम लान उसके बच्चे के लिए कपड़ा लेके जाता है आगा लोग बम लान भी जा रहे ना भाई क्यों लेके जाता है बम लान दू उसका घर में खाने के लिए नहीं है कमान कादू हालेलुया उसका घर में नहीं है खाने के लिए बुक्का को लगा हम कमाई दूं एक आदमी से बोले कादू बाकी लोग होता भी होगा सोचता बाकी लोग सोचता होगा होता भी होगा आप जब दूसरा को घर में अपना रिश्तेदार का घर में कुछ लेके जाता है क्यों लेके जाता है नौ का बम लगे वो गरीब है इसलिए जाता है क्यों ले जाता है आप बम लगे आयाला यस आयाला बोला यस प्यार करके आमीन बोला जोर से हालेलुया वो उसको प्यार करता है इसीलिए ले जाता है इसी तरह हम यीशु को प्यार करता है इसीलिए लेके आना चाहिए ताली बजाओ जोर से हालेलुया जो यीशु को प्यार करता है उसको बोलने का जरूरत नहीं होता वो खुद लेके आता है यीशु माया ना करी रे लू नाम नाम ती नाम का मांग पे आगे बम ला हिरो और ये शिवा की रानी और आगे बढ़ो देखो क्या हो रहा है शिवा की रानी के लगा हम कड़ा पड़े था हां वो सेटिस्फाई हो रहा था और आगे हां और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगे सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया या सारा बच्चन को उसे बताया एक लगा कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वो उसको ना बता सका जब सिवा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर सिक्स 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 को बढ़ो तब उसने राजा से कहा तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कृतन मैंने अपने देश में सुनी थी वो सच ही है मैंने जो सुना है सिर्फ सुना नहीं आके मैंने सब कुछ देख लिया है इसका मतलब शिवा की रानी बचन को सुनकर बहुत सेटिस्फाई होके गया है शिवा जोर से ताली बजाना ताली में भी कर दूसरे
ताली बजाने से भी पैसा चाहिए क्या? बिलिंग नाम लो मुंह को लगी दूने अच्छे से बजाना कम से कम ताली ताली बजा बोलने से दो तो सिर्फ वो भी जबरदस्त बिलिंग लगा के उनका आवाज दे रहे फीलिंग लगा लो मेरे मन ये तुम आसा आसा हो गया ताली बजाने में शर्म लगता है फीलिंग नाम मान ही रूं हां ये ताली भी एक गॉड को दिया हुआ ऑफरिंग है याद रखना नो फीलिंग नाम को सदी का लोग बिना अमन को मको ऑफरिंग को मको अभी भी कंजूस है देखो ताली दिया ही नहीं है ताली भी एक ऑफरिंग है दान को मको नो बिनाम को मको अगर आप ताली भी बजा रहा है तो गॉड का नाम को आप ऊंचा कर रहा है नो बिले क्यों मिलो कम सदी काम ही नहीं कदर मरू ना देखो अभी भी नहीं बजाता है भाई सुना हम यहाँ में ना दो तीन हफ्ता बैठेगा ना पूरा ताली कहाँ से नहीं बजा रहा ना वो चढ़ को निकल के बैठेगा हेलो हफ्ता का रोड मिलो कौन का रीला विमान विमान हम लगा ना मतलब बोलेंगे लेकिन तीन दिन भी काफी है लेकिन क्या करेगा जाने के बाद जैसा है फिर ऐसा ही हो जाएगा कोई लोग पहले जब आया था फिर गरम था अभी इतना साल के बाद फिर ठंडा हो गया इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ ताली बजाओ ताली भी एक ऑफरिंग है फीलिंग नाम देखो इसीलिए आप जो घर से सोच के आया ऑफरिंग देगा वो पैसा मत दो अभी घर जाके मीटिंग खत्म होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन में ऑफरिंग उठाएगा ना आप प्रभु को प्रार्थना करो प्रभु में क्या देना है जितना लेके आया प्रभु अगर बोलता तो सब डाल दो नो बीमा परमेश्वर से पूछो हम देगा क्या अगर आपका मन में आता है सब दे दो दे दो मैंने एक लड़की को कहानी मैंने सुना था मम्मी मैं बताता एक मीटिंग में क्या था उसको ऑफरिंग देने के लिए कुछ नहीं था प्रोग्राम को लाता मुड़को भी उसका एक सोना का चेन था वो लगभग 35,000 का था सोना रखता हेलो जब ऑफरिंग उठा के आ रहा था उसको पॉकेट में पैसा नहीं था जब वो प्रार्थना कर रहा था प्रभु मैं ऑफरिंग में क्या देगा मेरे पास पैसा नहीं है पवित्र आत्मा ने बोला तुम्हारा सोना का चेन दे दो सोना बिना काम देना कोई मालूम नहीं हो चुपके से निकाल के ऑफरिंग में डाल दिया हेलो उसको एक महीना भी नहीं किया बोलो कोई रहा लास्ट में वही लड़की चर्च में खड़ा होकर टेस्टिमनी दिया मेरा एक काम रुका हुआ था मेरा गवर्नमेंट जॉब रुका हुआ था परमेश्वर ने मेरा जॉब का रास्ता खोल दिया लड़की रो रो के टेस्टिमनी दिया उसने कहा मेरा लिए सोना भरा नहीं था यीशु भरा था लगा सोना तो बहुत मांगी यीशु और वो यीशु के लिए दे दिया इसीलिए उसका रास्ता खोल गया बड़ा बजा के खुली का बाइबल में ऐसा लगा देने से रास्ता खुल जाता है बाइबल तुम भी करो नेक्स्ट सेक्शन में जब आएगा प्रार्थना करके तैयार होके आना आए को हम कुमाला रेडी लाल अगर आपका मन में आता है पैसा मत भी दो तो नहीं देना है अगर आपका मन में आता है दे तो आप देना है आप नहीं देगा तो यीशु ब्लेसिंग नहीं करेगा ऐसा भी नहीं है बीमा मिला जिस बीमार हालेलुया लेकिन आप प्रार्थना करना है परमेश्वर को तो मन में आएगा तो वो देना जैसे सुलेमान का क्या बोलता है शिवा की रानी ने सब कुछ लेके आया शिवा लोग रानी अति तक इसीलिए वो सेटिस्फाई होकर वापस गया आप भी ऐसा होना है इसलिए मैं अभी मेरा मैसेज में वापस आ रहा हूँ आप परमेश्वर का लोगों को छोड़ के खुशी से मत भागना आप परमेश्वर का कभी भागना क्योंकि गॉड के साथ रहने से ही आप आगे बढ़ोगे आपको जीने के लिए परमेश्वर ही चाहिए तुम नाम लगा जिस लगे तो आत्मा का शक्ति ही चाहिए देना ही लोग गॉड के बिना आपको
कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं उस व्यक्ति का कहानी बता रहा था, उसको नंगा कर दिया है। हालेलुया, क्या कर दिया है? नंगा कर दिया है। अगर आप भी परमेश्वर का प्रेम से दूर जाओगे, ऐसा नंगा हो जाओगे। आप यीशु को जानने वाला हो या नहीं जानने वाला हो, एक बात याद रखो, जो कंपनी ने जो टीवी बनाया है, कंपनी ने टीवी बना उसका पीछे में केबल रखा है, चलो केबल केबल को ले करो, है ना? आपका घर का टीवी का पीछे केबल है? चलो कुम लो टीवी लो ये कॉलो केबल करो। जिसने फ्रिज बनाया वो फ्रिज का पीछे में केबल छोड़ दिया, फ्रिज भी ना रखो ये कॉलो केबल को ले ला मैं तुम। जिसने वॉशिंग मशीन बनाया उसका पीछे केबल छोड़ दिया, वॉशिंग मशीन केबल को करो। चलो जिसने लैपटॉप बनाया उसके पीछे में एक चार्जर छोड़ दिया, लैपटॉप बनाया चार्जर को मैं। जिसने मोबाइल बनाया उसके पीछे में एक चार्जर छोड़ दिया, मोबाइल बिना रकम चार्जर को भी ले। हेलो, ये केबल क्यों छोड़ा है? केबल कंपनी अलग अलग है, कंपनी आमू कंपनी अलग अलग है, कंपनी आमू। यस, इंडियन है, जापानीज है, इंडिया जापानी से चाइनीज है। इंडिया में भी तो अलग अलग कंपनी है, इंडिया कंपनी है, LG है, सैमसंग है, दुनिया भर का कंपनी है, LG है, सैमसंग है, कंपनी है। सब ने बनाने का बाद में पीछे में एक केबल छोड़ दिया है। केबल को पुल निकला मारे, क्यों रखा केबल? इनको लगा पुल तू, हम भी नहीं बोलेगा, देखो हम कैसे देख रहे हैं। केबल को क्यों रखा है पीछे? केबल लमकाईला होलो तार द मिलेगा, मतलब इतना देखने मालूम नहीं है क्या? लगा लो हमको कनेक्शन, क्या को कनेक्शन? इनको हम लगा लेंगे। हाँ, पावर, पावर में कनेक्ट करने के लिए छोड़ा है। जब लाइट लो कनेक्ट नाम लगा मुकमा चुन। हेलो, समझ में आया? कंपनी अलग अलग है, कंपनी आगो आगो और सब मेटल्स भी अलग अलग है। आदि तक काम है तो मांगू हुई तुम पुण्य, लेकिन सब ने पीछे केबल छोड़ दिया है। काम मेन हम लोग केबल को मलिक तुम सर, और सब चीजों को यूज करने के लिए उसको कारण ही चाहिए। आदि तक काम आगे के अंदर हम लोग खड़े ग्रुप को, उसको यूजफुल होने के लिए उसको पावर का जरूरत है। आगे बमीन नाम लगा पावर हालेलुया। आप क्रिश्चियन है? नो क्रिश्चियन है। आप नॉन क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन मारा। आप विश्वासी है? आप कोई भी चर्च का है? लेकिन सच्चाई ये है, आपका लाइफ में आप यीशु के बिना एक्टिव जिंदगी नहीं जी सकोगे। अंदर ही अंदर आप मर के बैठोगे। यीशु ने कहा है, मैं ही जगत का ज्योति हूँ, जो मेरे साथ कनेक्ट करेगा उसको जीवन का ज्योति मिलेगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोग अभी मतलब जैसे लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाता है इसी तरह ऑफ होके बैठ रहा है। स्विच बैटरी का कुमाई रोड कहीं नाम कहा तू कुछ फ्रीज है, मैं यहाँ में देख रहा हूँ कुछ फ्रीज का जैसा और वो अंदर मामर लग रहा है। किसी का अंदर का तार जो है चुना काट दिया है, तार कहूंगा तक तो सर। हेलो, बाहर से बहुत सुंदर है लेकिन अंदर में वो ऑन नहीं हो रहा है। हेलो, आपको कनेक्ट कराने के लिए यीशु मसीह ने इस मीटिंग को यहाँ रखा है। मीटिंग अगर आप जीसस के साथ कनेक्ट करोगे तो यीशु को यीशु को ग्रहण करोगे, जीसु में तोड़ो के जीसस को विश्वास करोगे, जीसु में आराम तो आप एक्टिव हो जाओगे। ये इंसान जब मार खा के वहाँ में गिरा हुआ था, वहाँ में कोई बड़ा पास्टर भी गुजर गया। चलो कितना पास्टर मन आता। हेलो, उसका नजर उस व्यक्ति के ऊपर में नहीं आया। पास्टर देखो कहा है, सेकंड लेवी उधर से गुजर रहा है। चलो मेरी कौन लगन आता हूँ, उसका नजर भी उसके ऊपर में नहीं आया। कहा है
हेलो एक अनजानी व्यक्ति एक अनजान व्यक्ति क्या बोलते हैं उसको कोई जानता भी नहीं है और अचानक वो उधर से आता है हेलो आकर वो आधा मरा इंसान को उठाता है उसका घाव में मरम लगाता है उसमें पट्टी बांधता है और उसको गाड़ी में बिठाता है और आगे ले जाता है और एक फार्मेसी में रख के बोलता है जो जो खर्चा है जितना ट्रीटमेंट करना है उसको करो और जितना जरूरत होगा मैं उसके लिए दे देगा और वो सबरी वो अनजाने व्यक्ति उसको हेल्प करके वो वहाँ से चला जाता है यीशु को धन्यवाद मेरा सवाल है वो अनजानी व्यक्ति कौन था उनका नाम अभिगंजन माना मी बोल अंकल हेलो आप जानते वो कौन था अंकल अगर हम बोलेगा तो वो यीशु मसीह उसके द्वारा आकर उस व्यक्ति को वहाँ से बचाया है अगर आप ही ऐसा मार खा के बैठा हुआ है लाइफ में सब कुछ बर्बाद करके बैठा हुआ है आपका आशा खत्म हो चुका है भरोसा खत्म हो चुका है हिम्मत खत्म हो चुका है आइडिया खत्म हो चुका है यीशु मसीह यहाँ आया है आपको इस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए घाव में मरम लगाने के लिए आपका नंगाई को ढाकने के लिए आपको साथ में लेकर चलने के लिए यीशु मसीह इस गांव में आया है आपको सिर्फ उठना है और यीशु के साथ चलना है वापस आने आया अगर आप वापस आने के लिए तैयार होगा यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होगा आप कौन आपको मरा है कौन आपको आधा मरा बनाया है यीशु ये नहीं पूछेगा उठाएगा चोरे क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है क्या दारू में फंस गया आप बाकी में फंस गया मुर्ख दाल सिगरेट में फंस गया सिगरेट चाहे तो कहीं भी गिर गया यीशु मसीह आज यहाँ आया आपका परिवार में मदद करने के लिए आपको बचाने के लिए हालेलुया आपको उठाना चाहता है इसलिए यीशु से दूर मत जाओ यीशु के लोगों से दूर मत जाओ वो आपसे प्यार करता है यीशु आपसे प्यार करता है आपको पता है ना बेतसदा में एक व्यक्ति था 38 इयर्स बीमार था कुछ लोग रात को बुखार होने से मर जाता है कुछ लोग मेडिकल पहुँचते वहाँ से मर जाता है मेडिकल सही बोल रहे हैं कुछ लोग बिना बीमार होकर रात को सोता तो सुबह मर जाता है कुछ लोग एक साल के अंदर में कुछ बड़ा बीमार होने से मर जाता है लेकिन ये व्यक्ति 38 इयर्स बीमार है वो मरा क्यों नहीं है आप जानना चाहते हैं क्यों नहीं मरा क्योंकि परमेश्वर का प्यार उस व्यक्ति के ऊपर में था इसीलिए उसको बीमारी उसको नहीं मार पाया है वो यीशु को नहीं जानता था फिर भी परमेश्वर उसको जानता था इसीलिए यीशु मसीह चल के उस व्यक्ति का सामने आ गया क्या तुम्हारा कोई नहीं है निकालो मैं क्या तुम्हें मदद करने वाला कोई नहीं है क्या तुम्हें हेल्प करने वाला नहीं है क्या तुमको उठाने वाला नहीं है चिंता मत करो चिंता मत करो मैं आ गया हूँ तुमको उठाने के लिए और यीशु कहते हैं उठो यीशु बोले उठो अपना खटिया लेके चला जाओ तो ये कैसे बोले जोर से
मुझे पता नहीं आपका कितना साल से बीमार होता होगा। मुझे पता नहीं कितना साल से आप तकलीफ में होता होगा, लेकिन गॉड को थैंक यू बोलो कि आज तक वो आपको मरने नहीं दिया है। याद करो सबसे पहले कितना बड़ा एक बड़ा एक्सीडेंट में आप गिर गया था। एक गाड़ी के साथ आप नीचे चला गया था, गाड़ी लोग मैक्सिमम लोग मर गया, लेकिन आप बच गया है। बाइक से गिर गया था, बाइक दूसरा लोग साइकिल से गिरने से मर जाता है, लेकिन आप बाइक से गिर के भी आज भी जिंदा है। जानता है क्यों जिंदा है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अभी भी आपका घर में बना हुआ है। कुछ लोग पति पत्नी झगड़ा होता, पति पत्नी झगड़ा होता है, बिना सोचे समझे जाके सुसाइड होकर मर जाता है। और आप हमेशा मरेगा मरेगा सोच रहा है, आज तक आप नहीं मर सका, क्यों? हमेशा जानता है क्यों? कायला, क्योंकि गॉड का प्यार अभी भी आपके घर में है। किसका ऊपर परमेश्वर का प्यार है? उसको शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा है, वो आपको कभी नहीं भूला है, वो आज भी आपसे प्यार करता है। आप सिर्फ अपने परत को ईश्वर को बताना है, आप सिर्फ वापस रिपेंट होके आना है। आप लालच में वापस नहीं जाना है, आज आप निर्णय लेना है। प्रभु मैं तेरा काम करने में मदद करने वाला बनूंगा। प्रभु मैं पैसा का पीछे नहीं जाएगा, प्रभु विचार करने नहीं जाएगा, तुझसे अलग नहीं होगा। प्रभु तू मेरा प्रभु है, मैं सिर्फ तेरा आराधना करेगा। मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे शांति तुझसे मिलता है प्रभु। शांति आज मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार है? कितने लोग बोलेगा मैं भी प्रार्थना करने के लिए तैयार है? मैं यीशु को छोड़कर बहुत जिंदगी छीके देखा हूँ, बहुत तड़प किया मैंने, अकेलापन छीन लिया, आज मैं अकेला छूना नहीं चाहता, और मैं यीशु के खिलाफ पाप करना नहीं चाहता। मुझे आज एक नया जीवन चाहिए। आज यीशु मसीह आपको एक नया जीवन देना चाहता है। एक दिन एक कॉलोनी में कॉलोनी को दो बच्चा आपस में खेल रहा था। खेलते खेलते एक बच्चा ने एक बच्चे को धक्का मार के नाला में गिरा दिया। नाला में बहुत कीचड़ था, नाला में बहुत गंदा था, और वो नाला में गिरते ही वो चिल्लाने लगा, पूरा शरीर में एकदम घाव घाव हो गया, कीचड़ कीचड़ हो गया। तो किसी ने जाकर दौड़ के जाके उसके माँ को बताया है, तुम्हारा बेटा को किसी ने नाला में गिरा दिया है, और वो नाला में रो रहा है, और वो माँ दौड़ के आता है, दौड़ के आता है, दौड़ के आके डायरेक्ट बच्चा को गोद में लिया है। उसका शरीर में कितना गंदा था वो नहीं देखा है, उसके शरीर का कचरा को नहीं देखा है, गोद में ले लिया है, और बच्चा को मेरा मौत लगाया, घाव लगाया, मरम लगाया है। दूसरा आदमी खबर पहुंचाया लेकिन नाला से नहीं उठाया। आज भी दुनिया में ऐसा है, आप कहीं गिर जाओ लोग आपको सेल्फी खींचेगा, वीडियो बनाएगा, आपको बचाएगा नहीं। सेल्फी लाए, वीडियो लाए, इधर उस लड़का को उस नाला से उठाने के लिए कोई नहीं था, बच्चा को, लेकिन माँ सुनते ही दौड़ के आया,
बैनर पवित्र आत्मा यहाँ है, देख रहा हूँ पवित्र आत्मा कबूतर जैसा यहाँ उतर रहा है। स्वच्छ दिल से मुंह खोल कर प्रार्थना करो, शैतान दिन दिन प्रतिदिन आपका जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रहा हूँ लास्ट टाइम एक व्यक्ति बिस्ना में बैठ के रो रो कर प्रार्थना कर रहा था।